आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर या कैरेक्टर को डायमंड पैटर्न में हम प्रिंट कराएंगे, वो आज हम सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग में। इसके लिए यहाँ पे मैं 6 फॉर लूप का यूज़ करूँगा, तो आप थोड़ा इस प्रोग्राम को ध्यान से समझें कि ये थोड़ा टफ पड़ सकता है कि इसमें बहुत सारे फॉर लूपों का यूज़ किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले पैकेज का यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट java.util.scanner, देन क्लास डायमंड, क्लास का नेम रखा मैंने डायमंड, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, देन args, ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि पब्लिक स्टैटिकली डिफाइंड है। देन स्कैनर क्लास का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो स्कैनर का मैंने sc ऑब्जेक्ट बनाया, देन न्यू स्कैनर, इसका ये कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर मैंने system.in पास करा दिया आर्गुमेंट, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो और इनपुट कीबोर्ड से ले रहे हैं। देन system.out.println हाउ मैनी रोज, मतलब कितने रो का आप मतलब डायमंड पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं, वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो int n, n एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और इसको हम sc जो कि स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसके थ्रू नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके मैं स्टोर करा दूंगा n में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि नेक्स्ट इंट जो है वो यूज़र जो भी एंटर करेगा वैल्यू को उसको n में स्टोर करा देगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द एनी कैरेक्टर, तो यहाँ पे एनी कैरेक्टर ले रहा हूँ मैं, मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप एंटर करा सकते हैं। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग नाम का मैंने मतलब स्ट्रिंग टाइप का ch एक वेरिएबल बना लिया मैंने, तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी आते हैं, कैरेक्टर्स भी आते हैं और मतलब अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। तो स्ट्रिंग मैंने बनाए हैं आप मतलब कैरेक्टर नहीं, आप अगर नंबर भी कोई एंटर करेंगे तो नंबर का भी वो डायमंड प्रिंट करा देगा। देन sc.next, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो नेक्स्ट, जैसे ऊपर नेक्स्ट इंट लिया था तो इंटीजर के लिया था और सिर्फ यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिया है, तो ये स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर कराता है। देन इंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यहाँ पे मैंने ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर 6 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए हैं जिसका हम आगे 6 फॉर लूपों में यूज़ कराएंगे। तो इंट num इक्वल टू 1, अब हमने यहाँ पे एक num वेरिएबल ले लिया, उसको हमने 1 से इनिशलाइज करा दिया। फॉर लूप x इक्वल टू 1, x इज़ लेस देन इक्वल टू n और x प्लस प्लस, ये पहला फॉर लूप। देन सेकेंड फॉर लूप y इक्वल टू 1, y इज़ लेस देन n माइनस x, यानी कि y की जो वैल्यू रहेगी n से हमेशा छोटी रहेगी, मतलब n में से x को घटा के जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी और फिर यहाँ पे y को प्लस करा देंगे। फिर सेकेंड फॉर लूप के थ्रू मदद से हम यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट कराया। देन एक और फॉर लूप जेड इक्वल टू 1, जेड इज़ लेस देन इक्वल टू नम एंड जेड प्लस प्लस, यानी कि नम की जो भी वैल्यू है उससे हमेशा ये छोटा या उसके बराबर रहेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं कैरेक्टर को प्रिंट करा दूंगा। देन ये जो है 3 फॉर लूप का मैंने यूज़ करके ऊपर से एक ट्राइंगल बना लिया, मतलब डायमंड पैटर्न कैसा होता है कि एक ट्राइंगल ऊपर से बनाया और एक ट्राइंगल को जस्ट उल्टा कर दिया। तो एक ट्राइंगल अपन को बनाने के लिए कहते हैं 3 फॉर लूप का यूज़ करते हैं, तो 2 ट्राइंगल बनाने के लिए 6 फॉर लूप का यूज़ करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे अभी यूज़ किया हुआ है। तो ये एक ट्राइंगल प्रिंट हो गया हमारा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए जो पहला फॉर लूप था एक्स वाला वो नेक्स्ट लाइन के लिए था, सेकंड फॉर लूप जो था स्पेस के लिए था, थर्ड फॉर लूप कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए था। अब नम इक्वल टू नम प्लस 2, अब क्या होगा कि हर बार नम की वैल्यू को प्लस 2 से हम इनिशलाइज करा देंगे। देन अब इंट नम वन इक्वल टू नम वन माइनस नम माइनस 4, यानी कि अब लास्ट में जो भी नम की वैल्यू रहेगी उस नंबर में हम नम माइनस 4 इसलिए क्योंकि अब डायमंड पैटर्न क्या होता है कि बगल से भी स्पेस रहता है, इधर से भी स्पेस रहता है, तो हर बार एक इधर से कैरेक्टर एक इधर से कैरेक्टर, तो इस टाइप से वो कैरेक्टर को माइनस करते जाएगा 4 टाइम्स। देन फॉर p इक्वल टू 1, p इज़ लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, p प्लस प्लस, अब सेम हम फिर से वही ऊपर के जो 3 फॉर लूप लगाए थे सेम जस्ट उसको हम उल्टा करते जाएंगे, कंडीशंस को हम उल्टी करते जाएंगे। देन n इक्वल q इक्वल टू n माइनस 1 और q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस p और q
माइनस माइनस, यहाँ पे ऊपर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे फिर से हम स्पेस, ये सेकंड फॉर लूप स्पेस के लिए, और थर्ड फॉर लूप जो रहेगा हमारा वो कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए, आर इक्वल टू वन, आर इज लेस देन इक्वल टू नम वन और आर प्लस प्लस, यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये नेक्स्ट लाइन के लिए फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेम टू सेम ऊपर वाले फॉर लूप की तरह है, और देन नम इक्वल टू नम माइनस टू, ऊपर हम प्लस करा रहे थे, यहाँ पे हम नम टू से वो कराएंगे, देन थ्री ब्रैकेट्स के साथ मैंने इसको क्लोज करा दिया। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कराया। अब कितने आपको रो चाहिए? अब जैसे यहाँ पे मैं 10 रोज लेता हूँ, कितने कौन सा कैरेक्टर चाहिए? जी जी कैरेक्टर मैंने ले लिया, तो ये देखिए जी कैरेक्टर का यहाँ पे डायमंड शेप में प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से ये देखिए तीन कैरेक्टर, तीन फॉर लूप ऊपर के इसके लिए मैंने लगा रखा था, ये तीन ट्राइंगल प्रिंट हुआ, और नीचे इसके लिए ये ट्राइंगल प्रिंट हुआ। तो इस टाइप से आप प्रिंट करा सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का ट्राइंगल, ज़रूरी नहीं जी का, यहाँ नंबर भी ये प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने 10 का ही दिया और नंबर ले लिया 5, तो ये देखिए 5 का कैरेक्टर प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से वो किसी भी चीज़ का आपको कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा। तो इस टाइप से मेरे और भी, और हाँ एक चीज़ और, मैं सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करा दूँगा इस प्रोग्राम का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो आप देख के प्रोग्राम सीख सकते हैं। थैंक यू।